अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं आल पाकिस्तान सेलिब्रिटीज। वहाज अली मेरी पहली मोहब्बत हैं। सबीना फारूक के इस बयान ने सबको हैरान कर दिया। आखिर इस बात की क्या हकीकत है, आइए मुकम्मल डिटेल्स जानते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल आल पाकिस्तान सेलिब्रिटीज़ पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कर दें। व्यूअर्स, सबीना फारूक जो कि ड्रामा तेरे बिन में नज़र आई थी वहाज अली के साथ एक नेगेटिव रोल में, और रिसेंटली ड्रामा तेरे मेरे सपने में भी नज़र आई और ड्रामा काबली पुलाव से भी इन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की। यूँ तो इन्होंने गिनती के सिर्फ 4 प्रोजेक्ट्स में ही काम किया है, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा शोहरत ड्रामा तेरे बिन से हासिल की थी। ड्रामा तेरे बिन में इनके नेगेटिव हया के रोल को बेहद पसंद किया गया था। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि वहाज अली के साथ जब इन्होंने ऑन स्क्रीन काम किया तो इनसे सवाल किया गया कि आप जैसे कि इस ड्रामे में वहाज अली के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, उनसे मोहब्बत कर रही हैं, लेकिन वहाज अली जो है आपको घास नहीं डाल रहे, तो रियल लाइफ में इस बात की क्या हकीकत है, आपको वहाज अली की पर्सनैलिटी कैसी लगती है? तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि जैसे कि स्क्रीन पर आप मुझे देखते हैं, मैं उनसे उस दीवानगी से मोहब्बत तो नहीं करती, लेकिन उनकी एक्टिंग से बहुत मोहब्बत करती हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि वहाज अली मेरे लिए काफ़ी लकी हैं क्योंकि मैंने उनके साथ ही दूसरा प्रोजेक्ट में ये नज़र आई हैं, इससे पहले सुनो चंदा के बाद डायरेक्टली इसी में इन्होंने नेगेटिव रोल अदा किया और यहाँ से ही शोहरत हासिल करने के बाद इन्हें काफ़ी प्रोजेक्ट्स में काम भी करने को मिला और वो भी लीड रोल में। और इन्होंने ये भी कहा कि वहाज अली उनके लिए काफ़ी लकी हैं, वहाज अली के साथ काम करके इन्हें बहुत अच्छा लगा और आगे भी इनके साथ काम करना चाहती हैं और उनकी एक्टिंग की दीवानी हैं। तो व्यूवर्स, आपको सबीना फारूक और वहाज अली जो हैं वो कैसे लगते हैं? क्या इन्हें एज अ लव कपल जो है किसी नए प्रोजेक्ट में साथ में काम करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल आल पाकिस्तान सेलिब्रिटीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह के बाद।